तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे फ्लक्सियोनल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। फ्लक्सियोनलिटी क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। कितने तरीके के फ्लक्सियोलन मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड फ्लक्सियोनल ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड में स्पेशली हम पढ़ेंगे अबाउट स्ट्रक्चरल नॉन रिजिडिटी। तो पहला पार्ट वन जो है उसमें हम स्ट्रक्चरल नॉन रिजिडिटी के बारे में पढ़ेंगे कि ये नॉन रिजिडिटी या रिजिडिटी क्या होती है। जब हमें ये समझ में आ जाएगा देन वी विल गो टू द फ्लक्सियोनलिटी फ्लक्सियोनल बिहेवियर ऑफ एलाइलिक एंड डाइनाइल कंपाउंड्स। तो अगर आप पहले तो हम रिजिड और नॉन रिजिड मॉलिक्यूल में डिफरेंस देखेंगे क्या होता है। तो अगर एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है टू स्ट्रक्चर्स में, दो स्ट्रक्चर एक मॉलिक्यूल के मान लीजिए पॉसिबल है, और वो जो दोनों स्ट्रक्चर हैं दे आर ऑफ कंपेरेबल, उनके इस स्ट्रक्चर की भी स्टेबिलिटी और इस स्ट्रक्चर की भी स्टेबिलिटी है, और इन दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं, मतलब ये भी स्टेबल और ये भी स्टेबल है, तो इस तरीके के मॉलिक्यूल्स को हम स्टीरियोकेमिकली रिजिड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। दो मॉलिक एक एक मॉलिक्यूल के दो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसका स्ट्रक्चर अलग है, दोनों की स्टेबिलिटी है, ये भी स्टेबल है ये भी स्टेबल है, इसका मतलब दोनों के दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके के मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं रिजिड मॉलिक्यूल, जिनको स्टडी करना बहुत आसान होता है। लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं दे अंडरगो फास्ट रिवर्सिबल चेंजेस, उनके स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकते हैं, एटॉमिक अरेंजमेंट अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर में इतनी जल्दी से बदलता है, इन दोनों के बीच में क्या है ये जो चेंज है इससे इसमें बदलना, ये रिवर्सिबल चेंज होता है। तो ये क्या होता है कि इसको और इसको अलग अलग सेपरेट करना मुश्किल है, तो इस तरीके के मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं स्टीरियोकेमिकली नॉन रिजिड मॉलिक्यूल। तो दो तरीके के मॉलिक्यूल हो गए, एक तो रिजिड है भैया अपनी जगह पर दृढ़ है कि ये भी दृढ़ है और ये भी दृढ़ है, ये भी स्टेबल है ये भी स्टेबल है, तो इन दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसे भी हैं जो ये और ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, दे आर रिवर्स द चेंजेस आर रिवर्सेबल, इस कन्फिग्रेशन से इस कन्फिग्रेशन में कन्वर्ट करना आसान है, और ये थर्मली केवल थर्मली एसेसेबल है ये। अगर मैं इस ये सिस्टम है मान लीजिए रूम टेम्परेचर और धीरे धीरे टेम्परेचर को कम करूं तो ये जो एक्सचेंज है ये कम हो जाएगा, क्योंकि जो मैं एनर्जी इसको दे रही हूँ जो टेम्परेचर दे रही हूँ वो कम कर दिया मैंने, तो उससे एक्सचेंज क्या होता है कम हो जाता है। तो इसकी वजह से ये जो इनकी स्टडी है वो थर्मल पर दिस टेम्परेचर डिपेंडेंट स्टडी है इनकी कि ये इसमें कितनी जल्दी कन्वर्ट हो रहा है। तो दो चीजें आप समझ गए, एक होता है रिजिड और एक होता है नॉन रिजिड। रिजिड का मतलब है कि वो जो दो फॉर्म है स्ट्रक्चर पॉसिबल है उस मॉलिक्यूल के, वो दोनों फॉर्म रिजिड है, वो एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकते आसानी से क्योंकि वो दोनों स्टेबल होते हैं, दे आर सेपरेबल। बट इन केस ऑफ द नॉन रिजिड मॉलिक्यूल ये जो चेंजेस हैं दे आर रिवर्सिबल चेंजेस और इतने फास्ट होते हैं कि इनकी स्टडी करना कठिन होता है। सो दिस काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स दे आर स्टीरियोकेमिकली नॉन रिजिड मॉलिक्यूल्स। अब इसमें आप देखेंगे कि मैं कुछ ऐसे कंसेप्ट आपको बता रही हूं जहां पर आप देखेंगे कि दो स्ट्रक्चर तो हैं, लेकिन यही आपको बताने वाली हूं कि कहां पर ये रिजिड है और कहां पर ये नॉन रिजिड है। तो आपने कुछ फिनोमेना पढ़े होंगे, जैसे आपने आइसोमराइजेशन पढ़ा होगा। अब आइसोमराइजेशन अगर आप देखेंगे तो देखिए ये एक मॉलिक्यूल है और ये एक मॉलिक्यूल है, दोनों में नंबर ऑफ एटम्स सेम है, कार्बन भी उतना ही है, हाइड्रोजन भी उतना ही, डबल बॉन्ड भी उतना ही है, दो डबल बॉन्ड है तो यहां पर भी दो डबल बॉन्ड है। बट आइसोमराइजेशन का मतलब है कि एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज में ट्रांसफॉर्मेशन है, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या होगा, ये मॉलिक्यूल तो बिल्कुल अलग होगा और ये मॉलिक्यूल बिल्कुल अलग होगा। आप देखेंगे कि यहां पर डबल बॉन्ड यहां है और ये डबल बॉन्ड यहां पर आ गया, सो इंट्रा मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट हो गया है, और इंट्रा मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट के बाद आप देख रहे हैं कि एक एरो बनाया हुआ है, सिंगल एरो। सिंगल एरो का मतलब है कि ये स्टेबल प्रोडक्ट है और ये भी स्टेबल, दे कैन बी सेपरेटेड, इसकी स्टडी भी हम कर सकते हैं, इसकी स्टडी भी कर सकते हैं। सो दिस मॉलिक्यूल इज नॉन रिजिड मॉलिक्यूल, ये भी नॉन रिजिड है और सॉरी रिजिड मॉलिक्यूल है, ये भी रिजिड है और ये भी रिजिड है, क्योंकि ये जो इंटरकन्वर्जन हो रहा है ये एक्चुअली ये रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है। दूसरा फिनोमिना आप देखिए रेजोनेंस, रेजोनेंस में भी आप देखेंगे कि ये आप ये एक रेजोनेंस बनाते स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं, दोनों के फॉर्मूला बिल्कुल एक से है, लेकिन बॉन्ड का अरेंजमेंट अगर आप देखेंगे डिफरेंट है। और दूसरी बात कि जो रेजोनेंस है वहां पर ये कोई ट्रू स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये आप स्ट्रक्चर इसको ट्रू स्ट्रक्चर की तरह नहीं बनाते हैं, बल्कि बेंजीन को आप ऐसे बनाते हैं। तो आप देखेंगे कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं दे आर नॉट द ट्रू स्ट्रक्चर्स, वो ट्रू स्ट्रक्चर है ही नहीं, तो वो दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर है ही नहीं,
ठीक है। तो यहां पर नॉन रिजिडिटी भी नहीं आती, रिजिडिटी भी नहीं आती, क्योंकि रेजोनेंस जो है बिल्कुल अलग तरीके का फिनोमिना है, जहां पर ना तो कन्वर्जन है ना इंटर कन्वर्जन है, दोनों के दोनों मॉलिक्यूल जो है वो एक से ही है लगभग, वो स्टेबल है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो हम ना इसको सेपरेट कर सकते हैं ना इसको सेपरेट कर सकते हैं, तो इसमें नॉन रिजिडिटी या रिजिडिटी की बात भी नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करते। एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर है ये एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ये हमारा हाइपोथेटिकली हमने सोचा इसको, मतलब जो थियोरेटिकली इसको आप कह सकते हैं कि इसको प्रूव किया गया कि इस तरीके के कैनोनिकल फॉर्म हो सकते हैं। फिर आपने पढ़ा है टोटोमराइजेशन, टोटोमेरिज यानी टोटोमर्स के बारे में आपने पढ़ा है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे अगेन टोटोमर्स के केस में अगर आप देखेंगे तो दो स्पीसीज दोनों के जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो एक से होते हैं, लेकिन उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बिल्कुल अलग होते हैं। तो ये फिनोमिना में भी आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच में डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, एक कीटो ग्रुप और एक इनॉल ग्रुप, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है और दे आर इंटर कन्वर्टेबल, ये इंटर कन्वर्टेबल है, लेकिन आप देखेंगे कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है, और इसका मतलब कि ये भी एग्जिस्ट कर सकता है और ये भी एग्जिस्ट कर सकता है। इनोल फॉर्म को भी हम सेपरेट कर सकते हैं और कीटोन फॉर्म को भी क्या कर सकते हैं, हम सेपरेट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी अलग है, इसकी प्रॉपर्टी अलग है, इट मींस ये भी सेपरेट किया जा सकता है, ये भी सेपरेट किया जा सकता है, हालांकि इन दोनों के बीच में डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, लेकिन एक बार वो इक्विलिब्रियम शिफ्ट किया जा सकता है। तो ये भी स्टेबल है, यानी ये जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर क्या है, मॉलिक्यूल शो नॉन रिजिडिटी तो शो करते हैं, ये नॉन रिजिडिटी शो करते हैं, बट फिर भी ये फॉर्म मतलब मिल सकती है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं एंटायरली डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर आ गया, इनोलिक फॉर्म आ गई और ये कीटो फॉर्म है, तो कीटो फॉर्म बिल्कुल अलग है और इनोलिक फॉर्म एकदम अलग है, डिस्टिंग्विशेबल है, आप कह सकते हैं कि इनके बीच में डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, ये नॉन रिजिड है, बट दीज टू आर डिस्टिंग्विशेबल, क्योंकि इसमें कीटोनिक ग्रुप है और इसमें इनोलिक ग्रुप है। तो धीरे धीरे आप एक एक चीज को समझेंगे कि रेजोनेंस बिल्कुल अलग फिनोमिना है, आइसोमेरिज में बिल्कुल अलग फिनोमिना है, आइसोमेरिज में आपने रिजिड मॉलिक्यूल देखे और रेजोनेंस में तो कोई सच्चे मॉलिक्यूल है ही नहीं, नॉन रिजिडिटी में आप देखेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा, बट यहां पर आप देखेंगे कि ये जो दो स्पीसीज हैं जो कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहती हैं, इनके जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो भी बिल्कुल अलग है, एक इनॉल है और एक कीटो फॉर्म है, हालांकि ये नॉन रिजिड मॉलिक्यूल है। अब फ्लक्सिबिलिटी देखें, ये इन सब से कैसे अलग है, तो अगेन इन केस ऑफ फ्लक्सिबिलिटी मॉलिक्यूल्स के बीच में डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, बट दीज टू मॉलिक्यूल्स दे आर ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, इनमें जो मॉलिक्यूल्स में होता है सिमिलर तरीके का अरेंजमेंट होता है एटम्स, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल इसकी तरह होता है, लेकिन ये बदलते रहते हैं एक दूसरे में। तो आप देखेंगे कि फ्लक्सिबिलिटी का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स आर इक्विवेलेंट, मॉलिक्यूल बिल्कुल एक से दिखाई देंगे इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर बॉन्डिंग एंड एनर्जी कंटेंट, तो ये मॉलिक्यूल बिल्कुल इसकी तरह होगा, इसकी एनर्जी इसकी तरह होगी, इसमें बॉन्डिंग इसकी तरह होगी, एनर्जी इसकी तरह होगी, तो ये कहलाती है नॉन रिजिडिटी और ये कहलाती है फ्लक्सिबिलिटी। कैसे डिफरेंट है आपसे, रेजोनेंस और आइसोमेरिज में बिल्कुल डिफरेंट है, बट टोटोमेरिज में आपने देखा कि ये दो स्पीसीज एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में थी, बट ये स्पीसीज इनॉल थी तो ये स्पीसीज क्या थी, कीटो थी, तो स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग थे दोनों स्पीसीज के, लेकिन फ्लक्सिबिलिटी में हम कह रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल एक सा है, इनडिस्टिंग्विशेबल स्ट्रक्चर्स हैं जिनके बीच में इक्विलिब्रियम होता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर एक सा है, इसकी बॉन्डिंग एक सी है, इसकी एनर्जी एक सी है, तो बिल्कुल ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म इनडिस्टिंग्विशेबल है, इनको हम मतलब अलग अलग देख ही नहीं सकते हैं। तो इसको स्टडी करने के लिए टेम्परेचर डिपेंडेंट मेथड्स यूज करने पड़ते हैं कि ऐसा होता होगा, तो ये हम क्या कहेंगे, इसको हम नॉन रिजिडिटी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने बेरी स्यूडो रोटेशन पढ़ा हुआ है और ये देखिए ये है एक PF5 मॉलिक्यूल है जिसकी ज्योमेट्री टेट्रागनल ट्राइगनल बाइपिरामिडल होती है, तो रेड कलर से जो फ्लोरीन दिखाया है वो ये एक्सियल है और जो ग्रीन कलर से दिखाया है ये इक्विटोरियल है। तो आप देखिए इन दोनों के बीच में डायनेमिक, आपने बेरी स्यूडो रोटेशन पढ़ा है कि ये एक इंटरमीडिएट स्टेट जिसको हम स्क्वायर पिरामिडल स्टेट कहते हैं, यहां पर आप देखेंगे जो एक्सियल पोजिशन पर जो फ्लोरीन थे वो देखिए स्क्वायर पिरामिडल पार्ट की तरह आ गए और ये जो है स्क्वायर पिरामिडल का एक पार्ट हो गया, तो ये एक क्या हो गई इंटरमीडिएट स्टेट है, और उसके बाद आप देखेंगे जो एक्सियल पर जो फ्लोरीन थे वो यहां एक्सचेंज कर जाएंगे, ये बॉन्ड यहां चला जाएगा, ये बॉन्ड यहां चला जाएगा और F जो रेड कलर के हैं वो देखिए यहां आ गए, तो इक्विटोरियल और एक्सियल पोजीशन के जो फ्लोरीन है वो एक्सचेंज हो गए,
लेकिन ये हमने अपने डिफरेंस के लिए इनको अलग अलग कलर से बनाया हुआ है, इनको हमने अलग अलग कलर से बनाया है, लेकिन क्या ये अलग है? सारे फ्लोरीन एक से हैं, सारे फ्लोरीन है, हमने कोई फ्लोरीन को, हमने कोई भी इसको रेडियो एक्टिव लेबल्ड नहीं किया है, सारे फ्लोरीन तो एक से है, बस केवल हमने क्या किया है उसको, एक को ग्रीन से दिखाया, एक को रेड से दिखाया, केवल कि ये दिखाने के लिए कि अपना प्लेस चेंज करते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कि ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर और ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बिल्कुल एक से है, इनमें कोई अंतर नहीं है, इसमें भी 5 फ्लोरीन है और इसमें भी 5 फ्लोरीन है, फ्लोरीन एक सी होंगी पांचों की पांचों, तो इसलिए ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों आप देखिए एटम्स बिल्कुल एक से हैं, बॉन्डिंग बिल्कुल एक सी है, सो देयर एनर्जी इज बिल्कुल इक्वल। लेकिन अब आप देखिए कि इसमें लेकिन अगर आप देखेंगे तो दो तरीके के फ्लोरीन है, एक तो एक्सियल होते हैं और एक क्या होते हैं, इक्विटोरियल होते हैं। लेकिन ड्यू टू दिस डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो एक्सियल पोजिशन के फ्लोरीन थे वो इक्विटोरियल पोजिशन पर आ गए और जो इक्विटोरियल के फ्लोरीन थे वो एक्सियल पोजिशन पर आ गए, तो इससे क्या हुआ कि वो एक से हो गए दोनों स्ट्रक्चर, पर इंडिस्टिंग्विशेबल हो गई पोजीशन, जो एक्सियल वाली पोजीशन है वो इक्विटोरियल में चलेगी, जो इक्विटोरियल वाली वो एक्सियल में चलेगी, तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या हो गए, इंडिस्टिंग्विशेबल हो गए। इसके लिए क्या क्या दिक्कत है कि किस मेथड के थ्रू हम इन इस तरीके के मॉलिक्यूल्स की स्टडी कर सकते हैं उसको भी हम स्टडी करेंगे। तो आई थिंक आप समझ गए फ्लक्सियोनैलिटी एंड टॉटोमेरिज में डिफरेंस समझ गए होंगे, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर बिल्कुल एक से है, बिल्कुल एक सी एनर्जी, लेकिन टॉटोमेरिज में दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग अलग थे, हालांकि वहां पर डायनेमिक इक्विलिब्रियम था। तो बेरी सीडो रोटेशन के थ्रू भी ये हो सकता है, पर और भी कुछ और भी प्रोसेसेस आप देखेंगे जिसके थ्रू फ्लक्सियोनल बिहेवियर दिखा सकते हैं मॉलिक्यूल्स। तो फ्लक्सियोनल जो वर्ड है वो डोरिंग एंड रॉथ ने 1963 में दिया था और स्टीरियोकेमिकल नॉन रिजिडिटी जो टर्म है वो मोटेरिटीज ने 1965 में दिया था, और स्टीरियोकेमिकल नॉन रिजिडिटी को दो टाइप्स में डिवाइड किया एफ ए कॉटन ने 1968 में कि स्टीरियोकेमिकली जो नॉन रिजिड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, तो एक होते हैं टॉटोमेरिक और एक होते हैं फ्लक्सियोनल। टॉटोमेरिक भी नॉन रिजिड है और फ्लक्सियोनल भी नॉन रिजिड है, बट देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन दीज टू। तो अब हम पढ़ेंगे, हम जो मेन फोकस हमारा है वो है फ्लक्सियोनल मॉलिक्यूल्स की ओर। तो अलग अलग ज्योमेट्री में जो नॉन रिजिडिटी है वो कैसे हम दिखा सकते हैं, जैसे फोर कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स में, ये भी आपने पढ़ा हुआ, एटॉमिक इन्वर्जन आपने पढ़ा है, तो फोर कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स जहां पर स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री पिरामिडल होती है, तो आप देखेंगे कि ये तीन एक्स जो कि नीचे इस तरीके से अरेंज है, तो फिर क्या होगा कि ये एक इंटरमीडिएट स्टेट प्लेनर स्टेट होती है, और उसके बाद आप कहेंगे कि ये उल्टी छतरी की तरह ये बिल्कुल रिवर्ट हो जाएगा, एच या एक्स, ये एक्स है ग्रुप्स, तो आप देखेंगे कि ये क्या है, सिंपल एटॉमिक इन्वर्जन। तो ये और ये बिल्कुल एक से हैं, इनमें अंतर नहीं है, अगर ये ग्रुप्स जो एक्स जुड़े हैं, इफ दे आर सेम, अगर ये सेम है, तो ये वाला आप ले लीजिए जो स्ट्रक्चर है, या आप ये वाला स्ट्रक्चर लीजिए, दोनों एक से हैं, कहीं से भी आप इनको देखिए दोनों पिरामिडल हैं, तो इसलिए ये क्या है, फ्लक्सियनल बिहेवियर है पिरामिडल मॉलिक्यूल का। फिर आप देखेंगे फाइव कोऑर्डिनेटेड सिस्टम्स जो है वो दिखा सकते हैं फ्लक्सियनल बिहेवियर, और इसमें आपने एग्जांपल पढ़ लिया बेरी सीडो रोटेशन का, ये हमने देख लिया बेरी सीडो रोटेशन, हम काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं पहले। और जो कुछ कॉम्प्लेक्सेस जैसे सिक्स एंड हायर कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस, दे कैन ऑल्सो शो फ्लक्सियनल बिहेवियर। तो थ्री फोर कोऑर्डिनेटेड, फाइव कोऑर्डिनेटेड, सिक्स एंड हायर कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स, दे कैन शो द फ्लक्सियनल बिहेवियर। उसके एग्जाम्पल्स आप देखेंगे, यूरिडियम का कॉम्प्लेक्स है, रीनियम का कॉम्प्लेक्स, IF7 रीनियम कॉम्प्लेक्स। सो जनरली जो फ्लक्सियनलिटी है इट इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर, कैसे टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जो एनर्जी मिल जाएगी इनको, तो ये जो चेंज है फास्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो बैरियर है, एनर्जी बैरियर, इनके बीच में जो कन्वर्जन के लिए जो एनर्जी की जरूरत है वो अगर हमने दे दी तो जल्दी जल्दी होगा, अगर वो एनर्जी हमने कम कर दी, टेम्परेचर कम कर दिया, तो ये जो चेंज है वो क्या होगा, धीरे धीरे होगा, तो हम उसको रोक सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, जो फ्लक्सियनल बिहेवियर होता है इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट।
अब हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे कि जो फ्लक्सियनल बिहेवियर है वो हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। फ्लक्सियनल बिहेवियर को, फ्लक्सियनलिटी को हम क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंपाउंड्स। कंपाउंड के आधार पर डिफरेंट टाइप की फ्लक्सियनलिटी हो सकती है। जैसे आप देखिए कंपाउंड्स विद ए साइक्लिक एल्किन्स, तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स हो सकते हैं जिनमें ए साइक्लिक एल्किन्स हो, फॉर एग्जाम्पल पाई एलाइल ग्रुप। तो पाई एलाइल ग्रुप अगर आप देखेंगे, ये पाई एलाइल, ये एलाइली ग्रुप है, देखिए ये आप देखेंगे यहां पर ये मेटल अटैच्ड है, तो आप इस फॉर्म को देखिए एलाइल ग्रुप जो है CH2CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहां पर एक कार्बन सेंटर से M जुड़ा है, जब एक कार्बन सेंटर से M जुड़ा होगा तो दिस इज नोन एज ईथर वन, ये ईथर वन इंटरेक्शन है क्योंकि एक कार्बन से मेटल सेंटर जुड़ा है, ठीक है। अगर आप इस एलाइलिक ग्रुप को देखेंगे तो एलाइलिक ग्रुप जो है वो अगर आप देखेंगे CH2, तो ये दो तरीके से जुड़ सकता है, एक तो ये इस तरीके से जुड़ सकता है और दूसरा ये कैसे जुड़ सकता है, ये ऐसे जुड़ सकता है, ये अगर आप दिखाएंगे CH2, ये देखिए ये, सो दीज टू फॉर्म्स, ये दो फॉर्म्स हैं जिसके थ्रू ये एलाइलिक ग्रुप मेटल के साथ जुड़ सकता है, वन इज ईटा वन एंड अनदर इज ईटा थ्री। तो ये तीन कार्बन सेंटर के थ्रू जुड़ा हो सकता है मेटल सेंटर, या फिर एक कार्बन सेंटर के थ्रू जुड़ा होता है, तो इसी वजह से इस ये फ्लक्सियनल बिहेवियर शो करता है। तो क्या होता है जो फ्लक्सियनल, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे एक्चुअली, तो फ्लक्सियनल बिहेवियर होता क्या है कि आप देखिए यहां पर ये मेटल सेंटर यहां पर जुड़ा है, तो आप यहां आप देखिए ये एस लिखा है मैंने, ये भी मैं समझाऊंगी बाद में, आप देखेंगे कि यहां हाइड्रोजन के ऊपर एस लिखा है डिस्टिंग्विश करने के लिए, तो यहां मेटल सेंटर जो है वो एस वाले हाइड्रोजन की ओर है, लेकिन यहां जो मेटल सेंटर है वो ए वाले हाइड्रोजन की ओर है। तो आप देखेंगे कि ये जो इंटर कन्वर्जन है, जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, एक ईटा थ्री का ईटा वन के थ्रू होता है, तो ईटा थ्री ईटा वन में कन्वर्ट होता है और ईटा वन फिर से ईटा थ्री में कन्वर्ट होता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये जो दो स्ट्रक्चर है दे आर सेम, ये बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि केवल हमने हाइड्रोजन को नाम दिया है, बट सारे के सारे हाइड्रोजन है। तो ये फ्लक्सियनल बिहेवियर है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, बट दिस डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज थ्रू द ईटा वन स्पीसीज, ये ईटा वन स्पीसीज के थ्रू डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, जिसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। देन दूसरे तरीके के कंपाउंड जिनमें सिग्मा बॉन्डेड साइक्लिक एल्किन्स होती है, सिग्मा बॉन्डेड साइक्लिक एल्किन्स, देखिए फॉर एग्जांपल ये आयरन का कॉम्प्लेक्स है और यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल है ईटा फाइव है, और यहां पर जो जो साइक्लिक एल्कीन है, देखिए साइक्लिक एल्कीन है, ये क्या है आप देखिए एक कार्बन से जुड़ी है, तो ये क्या है ईटा वन। ईटा वन का मतलब ही होता है कि ये सिग्मा बॉन्डेड है, ईटा वन यानी एक कार्बन से जब जुड़ेगा तो सिग्मा बॉन्डेड है, और अगर दो से ज्यादा कार्बन से जुड़ेगा तो इसका मतलब है पाई बॉन्डेड है, तो ये ऑटोमेटिकली हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें सिग्मा बॉन्डेड साइक्लिक एल्कीन हो, तो ये सिग्मा बॉन्डेड साइक्लिक एल्कीन है, इसमें जो फिनोमिना होता है फ्लक्सियनल बिहेवियर, उसको हम रिंग विजिंग कहते हैं, वो रिंग विजिंग कहलाती है। और उस रिंग विजिंग में अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, देखिए इस कार्बन को जहां से आयरन अटैच्ड है, अगर हम इसको वन कार्बन मान लें कि पहले ये वाला कार्बन एटम वन था, टू थ्री फोर फाइव, हमने पांचों कार्बन एटम को नंबरिंग कर दी, तो क्या होगा, देखिए ये जो रिंग है इसमें रिंग वेजिंग होगी, तो हो सकता है कि ये पांच नंबर का कार्बन एटम से जुड़ जाए, हो सकता है फोर नंबर के कार्बन एटम से यहां से जुड़ जाए, तो वो इंडिस्टिंग्विशेबल है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है आप देखेंगे दे आर इंडिस्टिंग्विशेबल, इतना फास्ट कन्वर्जन है कि यहां पर जो कार्बन है वो सारे एक से है, इसको हम कहते हैं रिंग वेजिंग। तो ये भी एक तरीके के फ्लक्सियनल बिहेवियर है जो कि इस तरीके के कंपाउंड शो करते हैं जहां पर सिग्मा बॉन्डेड साइक्लिक एल्कीन्स होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो जो पोजीशन है कार्बन की जो अटैच हो रही है आयरन से वो बदल रही है, लेकिन हमें दिख नहीं रही है क्योंकि वो इंडिस्टिंग्विशेबल है, देख ही नहीं सकते, सब एक से एटम्स है। फिर आप देखेंगे यहां पर देखिए अगेन दो रिंग्स जो है ईटा फाइव है, ये देखिए ईटा फाइव है, ये ईटा फाइव है, और ये क्या है ईटा वन। तो जहां पर ईटा वन है वहां पर अब आप देखिए इस तरीके का भी हो सकता है कि ये जो ईटा वन थी ईटा फाइव में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, और जो ईटा फाइव थी वो ईटा वन में कन्वर्ट हो गई। आप देखिए ये ईटा वन हो गई, ये ईटा वन हो गई, ये ईटा फाइव हो गई, ये ईटा फाइव हो गई। तो इस तरीके की भी रिंग विजिंग हो सकती है, तो ये भी क्या है एक काइंड का फ्लक्सियनल बिहेवियर है। तीसरे तरीके की अगर आप फ्लक्सियनल बिहेवियर देखेंगे तो कंपाउंड जिनमें पाई बॉन्डेड साइक्लिक एल्कीन्स होते हैं, यहां पर आपने देखे कि यहां पर जो एल्कीन्स हमने बात करी सिग्मा बॉन्डेड साइक्लिक एल्कीन्स की बात करी, यहां पर हम कह रहे हैं कि पाई बॉन्डेड साइक्लिक एल्कीन्स है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए ये साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन है, टेट्राइन चार इसमें बॉन्ड है लेकिन ये
चारों बॉन्ड किससे नहीं जुड़ा हुआ है, मेटल के साथ, ये केवल उससे कुछ कम बॉन्ड से जुड़ा है, मतलब चार में से केवल दो डबल बॉन्ड के थ्रू ये आयरन से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे केस में क्या होता है, मेटल हॉपिंग। इस तरीके का जो फ्लक्सियनल बिहेवियर है उसको मेटल हॉपिंग कहते हैं, जहां पर आप देखेंगे कि जो साइक्लिक एल्कीन्स हैं वो पाई बॉन्डेड हैं, लेकिन जो सारे डबल बॉन्ड हैं उनके थ्रू आयरन नहीं जुड़ेगा, बल्कि आयरन जो है कुछ कम डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा रहेगा इस एल्कीन के साथ। तो आप देखिए, आप ये जो दो डबल बॉन्ड है, कभी ये दो डबल बॉन्ड जुड़ जाएंगे, कभी आप देखिए वन और फोर, हमने क्या किया, देखिए डबल बॉन्ड्स को नंबरिंग कर दी है, वन नंबर का डबल बॉन्ड, ये टू, ये थ्री, ये फोर। तो यहां पर जो डबल बॉन्ड कनेक्टेड है वो वन एंड टू है। इस स्ट्रक्चर में देखिए वन और फोर के थ्रू ये जुड़ा हुआ है, इसमें देखिए थ्री और फोर के थ्रू जुड़ा हुआ है। तो क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि दो बॉन्ड तो छूटे हुए और दो बॉन्ड जो है बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसलिए जो है कभी किसी डबल बॉन्ड के साथ ये जुड़ सकता है, कभी किसी डबल बॉन्ड के साथ जुड़ सकता है। लेकिन अगेन दीज थ्री स्ट्रक्चर्स आर इंडिस्टिंग्विशेबल, इंडिस्टिंग्विशेबल स्ट्रक्चर है, क्योंकि जो आयरन जुड़ रहा है वो जुड़ दो ही बॉन्ड के थ्रू रहा है, दो बॉन्ड ऐसे छूट जा रहे हैं। तो इसलिए इस तरीके की जो फ्लक्सियनल बिहेवियर है उसको मेटल हॉपिंग कहते हैं। तो कई तरीके के फ्लक्सियनल मॉलिक्यूल्स शो करते हैं जो मॉलिक्यूल्स होते हैं। फिर चौथे तरीके का आप देखेंगे कि जहां पर मेटल कार्बोनल फ्लक्सियनल बिहेवियर शो करती है, और मेटल कार्बोनल में आपने स्पेशली पढ़ा है कि जो टर्मिनल कार्बोनिल और जो ब्रिज्ड कार्बोनिल है उनके बीच में एक्सचेंज होता है, स्पेशली इन केस ऑफ CO2 CO8। आपने देखा कि एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है CO2 CO8 का, जहां पर ये जो कार्बोनिल्स हैं और कार्बोनिल्स आर टर्मिनल, ये देखिए टर्मिनल कार्बोनिल, लेकिन एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसमें दो कार्बोनिल क्या हो जाती है, ब्रिजिंग हो जाती है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या रहते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं, लेकिन बिल्कुल एक से तो हम नहीं कहेंगे, इतना फास्ट एक्चुअली इनका जो इंटर कन्वर्जन है इतना फास्ट है कि ये इसको देखा नहीं जा सकता, इसको पढ़ा नहीं जा सकता, इसको मेथड किसी भी मेथड से देखना बहुत मुश्किल है। और इसको हम अगेन हम इसमें जो मेन मेथड यूज करते हैं IR एंड डायनेमिक NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो उसकी हेल्प से हम फ्लक्सियनल बिहेवियर देख सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, बेशक वैसे अगर फॉर्मूला देखेंगे एक सा है, बट हालांकि स्ट्रक्चर एकदम से एक सा नहीं है, क्योंकि ब्रिजिंग कार्बोनिल आ जाते हैं, बट दिस इज अ काइंड ऑफ फ्लक्सियनल बिहेवियर। अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए जो कार्बोनिल्स हैं, ये आप देखिए पोजीशन इनकी चेंज हो रही है यहाँ पर, ये देखिए ये जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग है ये एक साइड आ गई देखिए दोनों, और ये कार्बोनिल इधर आ गया। तो ये भी एक तरीके का डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, जहां पर आप देख रहे हैं कि सिस एंड ट्रांस एक्सचेंज, ये सिस ट्रांस एक्सचेंज है, ये जो ट्रांस आइसोमर है और ये सिस आइसोमर है। तो इस तरीके का एक्सचेंज भी पॉसिबल, और ये इतना फास्ट होता है कि इसको भी हम फ्लक्सियनल बिहेवियर कह सकते हैं। तो एक सिस फॉर्म आ गई, एक ट्रांस फॉर्म आ गई, तो ये फ्लक्सियनल बिहेवियर शो कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के। अब मैंने आपसे ये कहा कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी स्टडी करना बड़ा कठिन काम है, कि भाई क्योंकि ये PF5 और ये PF5 दोनों एक से, तो कैसे पता चला होगा कि इसमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। तो इसको पढ़ने के लिए डायनेमिक NMR का यूज करते हैं, डिफरेंट टेम्परेचर्स पर NMR देखेंगे पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का डिफरेंट टेम्परेचर पर, और उससे हमें पता चलेगा कि हाँ इसमें फ्लक्सियनल बिहेवियर होता होगा। NMR जनरली क्या करता है, NMR किस पर डिपेंड करता है, केमिकल एनवायरमेंट ऑफ न्यूक्लियाई के ऊपर, कि जो केमिकल एनवायरमेंट है न्यूक्लियाई की चारों ओर वो कैसा है, तो उसके बेसिस पर हमें क्या मिलती है, पीक्स मिलती है। तो अगर हम देखेंगे कि अगर किसी मॉलिक्यूल में दो तरीके के एनवायरमेंट है, तो फिर उस केस में हमें दो तरीके के पीक्स मिलते हैं। तो अगर तीन तरीके के एनवायरमेंट है, प्रोटोन NMR की अगर हम बात कर रहे हैं, तीन तरीके के अगर हाइड्रोजन है तो तीन सिग्नल हमें मिलेंगे, चार तरीके के तो चार सिग्नल मिलेंगे, क्योंकि NMR जो है वो डिपेंड करता है कि न्यूक्लियाई का केमिकल एनवायरमेंट कैसा है। और यहां पर अगर हम देखेंगे फ्लक्सियनल मॉलिक्यूल के लिए, तो हम देखेंगे जो केमिकल एनवायरमेंट है दैट डिपेंड्स अपॉन द एक्सचेंज ऑफ साइट्स। यहां पर जो केमिकल एनवायरमेंट है वो किस पर डिपेंड करता है, कि जो ग्रुप्स हैं वो कैसे एक्सचेंज कर रहे हैं, कितना फास्ट एक्सचेंज कर रहे हैं, वो केमिकल एनवायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। और जैसे ही उन्होंने केमिकल एनवायरमेंट को अफेक्ट किया, तो NMR में उसी तरीके का पीक आएगा, क्योंकि NMR किस पर डिपेंड कर रहा है, केमिकल एनवायरमेंट के ऊपर, और केमिकल एनवायरमेंट किस पर डिपेंड कर रहा है, यहां पर एक्सचेंज ऑफ साइट्स के ऊपर। तो इसीलिए हम डायनेमिक NMR के थ्रू इस चेंज को देख पाते हैं, ठीक है। और अगर एक्सचेंज होगा साइट में, तो NMR स्पेक्ट्रम क्या आ जाएगा, डिफरेंट आ जाएगा। तो एक्सचेंज ऑफ साइट अगर फास्ट होगा तो एक तरीके का NMR स्पेक्ट्रम मिलेगा, अगर ये चेंज जो है वो कम होगा
धीरे धीरे होगा तो दूसरे तरीके का स्पेक्ट्रा मिलेगा। तो एक्सचेंज फास्ट हो सकता है अगर हम हाई टेम्परेचर में करेंगे, एक्सचेंज लो हो सकता है जब हम उसको लोअर टेम्परेचर पर देखेंगे। तो डिफरेंट टाइप के एनएमआर स्पेक्ट्रा हमें दिखेंगे, ओके। और जो चेंज इन स्पेक्ट्रा है डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव टाइम स्केल ऑफ एनएमआर। अभी आप देखेंगे कि जो टाइम स्केल, जिस टाइम स्केल पर एनएमआर पढ़ लेता है, उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के केमिकल एनवायरमेंट को, उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के एक पर्टिकुलर न्यूक्लियाई एनवायरमेंट को, तो यहां पर क्या होगा कि वो रिलेटिव टाइम स्केल कितना है एनएमआर का और जो मॉलिक्यूल का जो एक्सचेंज है वो कितनी जल्दी हो रहा है, इन दोनों पर डिपेंड करेगा स्पेक्ट्रम। दो चीजें होंगी, एक तो मैं जो हूं, मान लीजिए कि मैंने ये स्लाइड लगाई आपको दिखाने के लिए, अब मैंने इसको जल्दी जल्दी बदल दिया तो आपके क्या समझ में आएगा, आपके कुछ समझ में नहीं आएगा ये। एक ये हो सकता है कि देखिए मैंने ये एनएमआर, मान लीजिए एनएमआर, एनएमआर का रीड करने का टाइम है मान लीजिए 2 सेकंड, अब मैंने 2 सेकंड में इतना कुछ दिखा दिया, अब देखिए क्या हो गया, चेंज हो गया मॉलिक्यूल के अंदर, तो इतनी जल्दी मॉलिक्यूल चेंज होगा कि उसको एनएमआर नहीं पढ़ पाएगा। इतनी जल्दी मैं स्लाइड में चेंज कर रही हूं कि आप इसको नहीं पढ़ पा रहे, मैंने लिखा क्या है देखिए, इतनी जल्दी चेंज कर दी, क्योंकि जो मेरा चेंज, जो मेरी स्लाइड के अंदर जो मैं चेंज कर रही हूं वो आपके देखने के जो टाइम है उससे भी जल्दी मैं चेंज कर दे रही, तो आप देख ही नहीं पाएंगे कि मैंने क्या लिखा है यहां पर। ऐसे ही अगर मॉलिक्यूल के अंदर चेंज इतना फास्ट होगा कि एनएमआर स्पेक्ट्रा देख ही ना पाए, उतनी जल्दी वो नहीं देख पा रहा जितनी जल्दी उसमें चेंज हो रहा है, तो फिर डिफरेंट टाइप का हमें स्पेक्ट्रा मिलेगा। और दूसरा कि अगर वो चेंज जो स्लो होंगे, अब स्लो चेंज होंगे तो देखिए आप थोड़ा स्लो चेंज होंगे तो आप इजीली इसको पढ़ सकते हैं, विदिन रेंज हो रहा है, आपकी आंखों के विदिन रेंज हो पा रहा है तो आप इसको पढ़ पाएंगे। तो इसलिए जो है ऐसे ही मॉलिक्यूल के बीच में अगर चेंज फास्ट होगा तो एनएमआर नहीं पढ़ पाएगा उसको, वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा और वो कहेगा कि भैया एक ही पीक दे दो, ये सारे प्रोटॉन एक से ही नजर आ रहे हैं क्योंकि इसमें तो चेंज होता जा रहा है तो सारे प्रोटॉन एक से दिख गए इसको। लेकिन अगर ये चेंज धीरे धीरे होंगे तो वो इसको भी डिस्टिंग्विश कर लेगा, इसको भी डिस्टिंग्विश कर लेगा और सारे प्रोटॉन के सिग्नल अलग अलग दे देगा। तो ये जो रिलेटिव टाइम स्केल ऑफ एनएमआर एंड मॉलिकुलर डायनेमिक्स, ये दोनों रिलेटेड है, उसी के हिसाब से क्या आता है, स्पेक्ट्रा आता है। तो आप देखेंगे स्पीड ऑफ डायनेमिक्स, जनरली जो मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स यानी दोनों जो मॉलिक्यूल के बीच में जो एक्सचेंज होता है वो लगभग 10^-1 से 10^-16 में ही हो जाता है जो ये चेंजेस है, जबकि एनएमआर जो है वो 10^-1 से 10^-9 सेकंड में इसको रीड करता है। तो क्या होता है कि जो जो स्पेक्ट्रा होता है वो नॉन डिटेक्टेबल होता है एनएमआर में, हाई टेम्परेचर में। अगर हम हाई टेम्परेचर की बात करेंगे तो हाई टेम्परेचर में जो स्पीड है डायनामिक्स की वो क्या होती है, बहुत हाई होती है। डायनामिक्स की स्पीड हाई है और जो रिलेटिव टाइम स्केल है वो क्या है, बहुत कम है, तो उतनी जल्दी चेंज होगा कि एनएमआर उसको नहीं पढ़ पाएगा। तो एट हायर टेम्परेचर जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर द केमिकल एनवायरमेंट एक्चुअली हम कह सकते हैं कि वो इनडिस्टिंग्विशेबल होता है और उसको हम रीड नहीं कर सकते। और सेम टाइप को हम कई बार क्या होता है कि हम आईआर में रीड कर लेते हैं, वो आईआर के टाइम स्केल पर डिपेंड करता है। तो रिलेटिव टाइम स्केल जो पढ़ने का है स्पेक्ट्रा का, वो अगर कम होगा और डायनेमिक्स जल्दी जल्दी होगी तो फिर हम उस पर्टिकुलर जो स्टडी है उसको नहीं कर पाएंगे, उसके स्पेक्ट्रा को हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो जनरली होता क्या है कि एक्सचेंज जो है वो स्लो हो जाता है लो टेम्परेचर पर, तो फिर वो डिटेक्टेबल होता है एनएमआर में। तो क्या होता है कि वेरिएबल टेम्परेचर एनएमआर इज यूज्ड टू स्टडी द फ्लक्सियनल बिहेवियर। तो हम क्या करते हैं कि जो जो वेरिएबल टेम्परेचर, हम टेम्परेचर को वेरी करते हुए डिफरेंट टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल की जो एनएमआर है उसको लेते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और उसके हिसाब से वी कैन स्टडी द फ्लक्सियनल बिहेवियर। फ्लक्सियनल बिहेवियर को हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। और अब होता क्या है कि जो एक्सचेंज रेट है वो किस पर डिपेंड करता है, एक्सचेंज रेट डिपेंड करता है कि ये डेल्टा म्यू क्या है। डेल्टा म्यू क्या है, मान लीजिए कि हाई टेम्परेचर पर क्या होता है कि इस तरीके की ब्रॉड पीक आती है और लो टेम्परेचर पर क्या होता है कि ये सेपरेट हो जाती है। तो क्या होगा कि हाई टेम्परेचर पर ब्रॉडनिंग ऑफ पीक हो रही है, तो ये जो एक्सचेंज है वो बहुत फास्ट है और वो एक्सचेंज किस पर डिपेंड करता है, सेपरेशन ऑफ
टू रेजोनेंस स्टैटिक, ये स्टैटिक स्ट्रक्चर है, कम टेम्परेचर पर जो 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 आपको एनएमआर के जो पीक्स मिलेंगे उन पीक्स की जो म्यू का डिफरेंस होगा उस पर डिपेंड करेगा रेट। तो म्यू का जो डिफरेंस है पाई डेल्टा म्यू अपॉन अंडर रूट टू, ये रेट ऑफ एक्सचेंज के बारे में बता देगा कि कितना फास्ट एक्सचेंज इन दोनों के बीच में हो रहा होगा। फिर आप देखेंगे फर्दर अगर हम गर्म करेंगे तो पहले तो ये इस तरीके थे, मतलब एक टेम्परेचर पर मान लीजिए ऐसे सेपरेट थे, फिर हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया 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 तो ये क्या हो गई, सिंगल पीक में कन्वर्ट हो गई क्योंकि इनडिस्टिंग्विशेबल हो गई। तो यहां पर जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे, और यहां पर जो रेट ऑफ चेंज है वो हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से निकालते हैं, जहां पर डब्ल्यू हाफ क्या होती है, ये जो है ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें हम बहुत अंतर नहीं जा रहे हैं। और जो हाई टेम्परेचर पर अब हम देखेंगे कि ये जो पीक है, यहां पर ये जो पीक है तो ये कहां पर आती है, ये इन दोनों के वेटेड एवरेज पर आती है, ये इसके बीच में आएगी कहीं पर, इन दोनों का जो एवरेज होगा उसके बीच में ये एक पीक आएगी जो कि हायर टेम्परेचर पर आएगी। तो इसका भी हम डेल्टा की वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसे हम केमिकल शिफ्ट कहते हैं, N1 यानी कितने ऐसे एटम्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो ये पहले जो दो पीक्स हैं उस पीक्स में से एक पीक की डेल्टा वन है और दूसरे पीक की डेल्टा वन है, और इसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं कि जो पीक है उस जो सिंगल पीक है वो कितने पर आएगी, उसकी हम केमिकल शिफ्ट कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज टू पीक्स। तो ये अगर डेल्टा वन है, ये डेल्टा टू है, तो ये क्या होगी, डेल्टा एवरेज होगी, ठीक है। तो ये एवरेज डेल्टा पर हमको मिलेगी। तो जितना फास्ट एक्सचेंज होगा उतना और एनएमआर टाइम स्केल कम होगा तो उतना क्या होगा, मुश्किल होगा उसे डिटेक्ट करना, ठीक है। तो अब आप देखिए अगेन यहां पर यही बता रहे हैं कि जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है एक्सचेंज प्रोसेस की, वो जनरली 25 से 100 किलो जूल पर मोल की एनर्जी की जरूरत होती है। तो रेट ऑफ एक्सचेंज जो है वो 10^-1 से 10^6 सेकेंड माइनस वन है, जबकि डिटेक्शन जो है वो एनएमआर का आपने देखा कि 10^-9 सेकेंड तक वो डिटेक्ट कर सकता है। तो ये जो है एनएमआर के थ्रू इसलिए डिटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हम हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर पर इसकी स्टडी कर सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि कैसे हम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो स्पेक्ट्रा है एक पर्टिकुलर कंपाउंड का, ये लो टेम्परेचर पर है, धीरे धीरे जैसे ऐसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आप देख रहे हैं आप ब्रॉडनिंग शुरू हो गई, पीक्स की ब्रॉडन हो गए, उसके बाद कोलैप्स हो गए, ये दोनों पीक्स कोलैप्स होने के बाद ब्रॉडन हुआ और फिर एक शार्प पीक मिल जाएगी। तो आप देखेंगे हाई टेम्परेचर पर एक पीक मिल रही है, लो टेम्परेचर पर कितनी पीक मिल रही है, दो पीक मिल रही है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि ये डिस्टिंग्विश कर देता है, लो टेम्परेचर पर जो एक्सचेंज है वो स्लो हो जाता है और हायर टेम्परेचर पे जो एक्सचेंज है वो क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। तो दो पीक एक सिंगल पीक में कन्वर्ट हो गई। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो फ्लक्सियनल बिहेवियर है वहां पर आपने देखा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं, और जो दो स्ट्रक्चर होते हैं वो बिल्कुल एक से होते हैं, वो बिल्कुल एक से होते हैं, इंडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, इसलिए डायनेमिक एनएमआर से उनकी स्टडी हम कर सकते हैं। और आपने देखा कि ये जो सिस्टम है दोनों की एनर्जी सेम है, इसलिए हम उसको लो टेम्परेचर पर अगर स्टडी करेंगे तो दूसरे तरीके का एनएमआर आएगा, हायर टेम्परेचर पर स्टडी करेंगे तो डिफरेंट टाइप का क्या आएगा, स्पेक्ट्रा आएगा। तो इस तरीके से हम इस लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि फ्लक्सियनल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, फ्लक्सियनल बिहेवियर क्या होता है, और हमने देखा कि ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें फ्लक्सियनलिटी पाई जाती है, और ये दूसरे तरीके के जो इक्विलिब्रियम्स हैं जैसे टॉटोमेरिज में है या दूसरे तरीके की रिएक्शंस हैं जहां पर दो स्पीसीज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक सा होता है जैसे आइसोमेरिज में है या रेजोनेंस है, उससे फ्लक्सियनलिटी कैसे डिफरेंट है। एंड एक जो मेथड स्पेशली हम यहाँ पर देखेंगे डायनेमिक एनएमआर, जिसकी हेल्प से हम फ्लक्सियनल मॉलिक्यूल्स की स्टडी कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लक्सियनलिटी, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द फ्लक्सियनलिटी एंड डायनेमिक एनएमआर। सो थैंक यू वेरी मच।